हाँ संजना बताओ। वेरी गुड, यानी कि एनवायरमेंट क्या है? एनवायरमेंट के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, उन सबको इंक्लूड किया जाता है, उसे कहते हैं एनवायरमेंट। अब नेक्स्ट अपने पास आता है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? हमारे पास एनवायरमेंट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट नेचुरल एनवायरमेंट, सेकंड ह्यूमन, थर्ड ह्यूमन मेड एनवायरमेंट। अब हम वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल एनवायरमेंट। अब देखिए नेचुरल एनवायरमेंट बोलने से हमें पता चल रहा है ऐसा एनवायरमेंट जो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? प्रकृति से। यानी कि जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है, नेचर से प्राप्त हुआ है, उसे कहते हैं नेचुरल एनवायरमेंट। नेचुरल एनवायरमेंट। अब इसके एग्जांपल देने की जरूरत है? आप सबको पता होगा, जैसे आप ब्लैकबोर्ड पे आपको शो हो रहा होगा, इसका एग्जांपल एयर, वाटर। यानी कि ऐसा एनवायरमेंट जो हमें प्रकृति से प्राप्त है उसे कहते हैं नेचुरल एनवायरमेंट। क्या आप में से कोई बच्चा नेचुरल एनवायरमेंट को एग्जांपल दे सकते हैं? क्या जाते हैं हमारे पास? चाहे फैमिली हो, चाहे कम्युनिटी हो, चाहे हमारे स्कूल्स हो, यानी कि ऐसा एनवायरमेंट जिसमें हम आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने का मतलब क्या होता है? जिसमें आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, वो होता है ह्यूमन एनवायरमेंट। इसका एग्जांपल फैमिली, कम्युनिटी, और कोई एग्जांपल आप दे सकते हो? हाँ जी मैम बताइए। स्कूल। यस। रिलीजियस। वेरी गुड। फैमिली, हॉस्पिटल। वेरी गुड, सिट डाउन। तो ह्यूमन एनवायरमेंट के अंदर क्या क्या? चाहे फैमिली हो, चाहे नेबरहुड हो, चाहे कम्युनिटी हो, यानी कि इन सबसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, वो होता है हमारे ह्यूमन एनवायरमेंट। इंसान मेड यानी बनाना, यानी तो आपको समझ में आ गया? ऐसा एनवायरमेंट जो ह्यूमन ने बनाया है, क्या? पार्क्स, बिल्डिंग्स, यानी कि वो सब चीजें जो एक मानव ने बनाई है, जो एक ह्यूमन ने बनाई है, उसे कहा जाता है ह्यूमन मेड एनवायरमेंट। अब क्या पार्क्स और बिल्डिंग के अलावा कोई और एग्जांपल हो सकता है? कौन बताएगा? एनीवन एल्स? निशु बताइए। ब्रिज, रोड। वेरी गुड। आगे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। यस है। डोमेन्स ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के अपने कौन-कौन से डोमेन्स होते हैं? देयर आर 4 डोमेन्स ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के कितने डोमेन्स होते हैं? 4 डोमेन्स होते हैं। सबसे पहला एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी जो रिलेट करता है एयर से, गैसेस से, यानी हमारा जो एटमॉस्फेयर उसके अंदर एयर आती है, गैसेस आती है, तो वो कौन सा एनवायरमेंट होता है? एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट आता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मींस वाटर। तो ऐसा एनवायरमेंट, ऐसा डोमेन जो वाटर से रिलेट करता है उसे कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। क्या आप में से कोई बच्चा हाइड्रोस्फीयर का एग्जांपल दे सकता है? मिस्टी बताइए। वेरी गुड। यानी कि फोर्स रिवर्स लेक्स, इसने क्यों कहा? क्योंकि किससे रिलेट कर रही है? वाटर से। ठीक है, इसमें आता है अपना, इसे कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट अपने पास आता है लिथोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? अब आप इतना समझ गए होंगे कि बायोस्फीयर का मतलब इन तीनों का इंटरेक्शन क्या कहलाता है? बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन विच इंक्लूड लैंड, एयर, वाटर। यानी कि जिसमें तीनों को इंक्लूड किया जाता है वो अपना होता है बायोस्फीयर। और आपको पता है, अच्छे अभी बताइए, ह्यूमन की लाइफ कहाँ पॉसिबल है? एटमॉस्फेयर में पॉसिबल है, हाइड्रोस्फीयर में पॉसिबल है, लिथोस्फीयर में पॉसिबल है, या बायोस्फीयर में पॉसिबल है? अगर आपने ये बता दिया, इसका मतलब ये कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। सबको बताए तो सब बच्चे एक साथ बताएंगे कि ह्यूमन के लिए कहाँ पॉसिबल है? बायोस्फीयर। वेरी गुड। बायोस्फीयर हमने क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे हमारी लैंड भी है,
वाटर भी है और हमारे लिए एयर भी है। अब बायोस्फीयर जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, इन सब के लिए हेल्पफुल डोमेन होता है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आया कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या होते हैं और डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट।